देखो, सेक्टर में अलग अलग तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो मेजर समस्या है हमारे पास वो है इंक्रोचमेंट की। वो एक लोग दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं। हुड्डा है उसकी तो केवल दुकान बाउंड्री वाल ब्रांडे तक है, उसके बाद MCG का है, फिर पुलिस का काम है। अब हमने तीनों को भी इकट्ठा करके सबको ज्ञापन दे दिया, सबको चिट्ठियां दे दी, कोई रिप्लाई नहीं देता। आजकल किसी चिट्ठी का जवाब दे दो, कम से कम सैकड़ों लेटर डाला, आज तक तो मेरे को कोई एक लेटर का भी रिप्लाई नहीं मिला है। एक रेजिडेंट के नाते, एक टैक्स पेयर के नाते, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही तो जो सरकार में इस टाइम है उन्हीं की मदद से हम शायद अपने सेक्टर का कुछ उद्धार कर पाए, तो उसके लिए भी हमारी RW हर ऐसी प्रयास करती है। बंदरों ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है, सरकार के पास कोई इसका, इन्होंने कोई आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखा। नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। कहने को तो गुरुग्राम को महानगर का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस महानगर की सच्चाई या सेक्टर बयां करते हैं। जी हां, हमने हमारे प्रोग्राम सेक्टर परिक्रमा में आज साइबर सिटी के सेक्टर 31 का दौरा किया और सेक्टर 31 के निवासियों से वहां की समस्याओं के बारे में जाना। स्ट्रीट लाइट, सीवर जाम और आवारा जानवरों का आतंक जैसी बहुत सी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यह आपको बताना जरूरी होगा कि सेक्टर 31 में देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, बहुत से सेलिब्रिटी और कई IAS रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। सेक्टर 31 RW के प्रधान BS यादव, उप प्रधान मोना और पूर्व प्रधान दमन दीवान और RW के जनरल सेक्रेटरी अरविंद चड्ढा आदि ने दैनिक भरोसा की टीम से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम BS यादव है और मैं सेक्टर 31 का प्रेसिडेंट हूं। तो सर, आपको यहाँ किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या जो आपके सेक्टर वासी हैं उनको किस तरह की जो समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखो, सेक्टर में अलग अलग तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो मेजर समस्या है हमारे पास वो है इंक्रोचमेंट की। मार्केट में इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि लोगों ने फुटपाथ के अलावा आगे भी मेन रोड पर कवर कर रखा है। ACP से लेके हमने सबको गुहार कर चुकी है, क्योंकि गुड़गांव में प्रॉब्लम क्या है कि देर आर मल्टीपल एजेंसीज। वो एक लोग दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं। हुड्डा है उसकी तो केवल दुकान बाउंड्री वाल ब्रांडे तक है, उसके बाद MCG का है, फिर पुलिस का काम है। अब हमने तीनों को भी इकट्ठा करके सबको ज्ञापन दे दिया, सबको चिट्ठियां दे दी। इन्फोर्समेंट में मिस्टर प्रदीप हैं, JC 2 JC 3 उनको दे के आ गए हैं। ACP डॉक्टर कविता उनको दिया है। MCG में हम कमिश्नर साहब से, मीना साहब से भी पिछले हफ्ते मिले थे, उनको भी लिखित में हमने दे दिया कि सर, जब आप लिखित में दे के आते हैं तो उनका रिप्लाई क्या होता है, उस बारे में क्या समस्याओं को लेकर के क्या कहते हैं? प्रशासन ने आजकल लिखित का रिप्लाई देना ही छोड़ दिया है, कोई रिप्लाई नहीं देता। आजकल किसी चिट्ठी का जवाब दे दो, कम से कम सैकड़ों लेटर डाला, आज तक तो मेरे को कोई एक लेटर का भी रिप्लाई नहीं मिला है। तो चीज़ें आज बदल रही है, कोई किसी की सुन के राजी नहीं, प्रशासन का बुरा हाल है। चलिए मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है, इस टाइम पे मैं सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। तो मैम, आप यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि किस तरह की परेशानी महिलाओं को या बच्चों को या पार्क को लेकर के या सड़कों को लेकर किस तरह की परेशानी? अगर स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी तो हमारे इस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा वाइन शॉप खुला हुआ है। शाम के टाइम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसी के वही एक मार्केट है जहाँ पे महिलाएं शाम को दूध सब्जी लेने जाती है। और वाइन शॉप के आगे इस टाइम पे कम से कम शाम को 7 से 11 बजे तक कोई भी नहीं निकल सकता है। वहाँ बैठ के वाइन शॉप वालों ने ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लोग बाहर बैठ के भी पी सकते हैं, तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो मैम, इसके बारे में आपने कोई कंप्लेंट करी वाइन शॉप को लेकर? बहुत कंप्लेंट की हुई है पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा प्रशासन की तरफ से। कोई ऐसा आपको कुछ सांत्वना दी गई हो कि हाँ इसके खिलाफ, या मतलब जो बाहर का है उनको भी तो कहीं से अप्रूवमेंट मिला होगा तभी उन्होंने वाइन शॉप ओपन करी है? आते हैं, एक दिन दो दिन आते हैं, राउंड भी लगते हैं पुलिस के, इधर पुलिस वाले जाते हैं इधर लोग वापस बैठ जाते हैं, तो कोई एक मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया उसके लिए अभी तक। आगे सर, आपका नाम? मेरा नाम दमन दीवान है, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ RW सेक्टर 31 का। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी है और जो सब आप आज इकट्ठे हुए, आप लोगों ने मीटिंग करी है, तो किस मतलब परेशानी को लेते हुए किसके मद्देनज़र आपने मीटिंग रखी? देखिए, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने, BS यादव जी ने और वाइस प्रेसिडेंट मोनिका जी ने बताया कि हमारे सेक्टर में समस्याएं काफ़ी हैं और रेगुलर बेसिस पे अथॉरिटीज़ को हमारी पूरी RW अप्रोच करती रहती है कि समस्याओं का समाधान हो। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट कि समस्याओं का समाधान होना तो दूर की बात, इनकी चप्पलों घिसरी अलग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई से लेके और सेफ्टी,
हर चीज़ हमारे सेक्टर दाव पे है, हमारा सेक्टर इज़ वन ऑफ द प्राइम सेक्टर। आज हमारी डिस्कशन में यही हुआ कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी हमारे सेक्टर में रहते हैं, कई बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर भी रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन भी रहते हैं, बट ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं, सरकार को उनका रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन जो सुविधाएँ यहाँ मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ बड़े बड़े एम्बेसडर और DIG वगैरह ये सब जो रहते हैं, तो कभी क्या आप सब ने इकट्ठा होकर के उनके साथ प्रशासन के पास गए हो, या हो सकता है कि उनके सोर्सेज के बिहाफ पे कोई आपकी परेशानी का हल हुआ हो, कभी कुछ ऐसा किया क्या? आपने सवाल भी सही पूछा और उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। आज ही हमारे प्रधान जी ने उनके OSD से टाइम मांगा है, मिस्टर अखिल चौधरी जी हैं और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि हमने अपनी तरफ से तो मेहनत कर ली एक रेजिडेंट के नाते, एक टैक्स पेयर के नाते, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही तो जो सरकार में इस टाइम हैं उन्हीं की मदद से हम शायद अपने सेक्टर का कुछ उद्धार कर पाए। तो उसके लिए भी हमारी RWA हर ऐसी प्रयास करती है कि हम किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी तरीके से अपने सेक्टर को अच्छा रख सके। सर, मैं जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आपको अपनी सोसाइटी में, अपने सेक्टर 31 में सबसे ज्यादा परेशानी किससे मतलब लग रही है, कि जो सबसे ज्यादा परेशानी हो? सर, आपका नाम? मैं अरविंद चड्डा, RWA का जनरल सेक्रेटरी। वेल, तो मैम ये कहना चाहूँगा, गुड़गावा हरियाणा का 65% रेवेन्यू देने वाला शहर है, और सुविधाओं के नाम पे बात करें तो इसकी मतलब कोई जवाबदेही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब बेसिक समस्या लो हमारे सेक्टर में, सबसे जो मेजर इशू है सीवर और वाटर की लाइनें। ये लाइनें डली हुई हैं 25 साल पुरानी, डेली हमारे पर रेजिडेंट्स की कोई ना कोई कंप्लेंट होती है, पानी की यहाँ से लीकेज है, सीवर की यहाँ से लीकेज है। कई बार प्रशासन को इसके बारे में लिखित में भी दिया, कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, रोड्स की हालत। पूरी रोडें इतना बुरा हाल है, गड्ढे हो गए हैं, रोज आदमी को यहाँ पे रोज हमारे पास आता है, जी आज ये आदमी गिर गया, उसके ये चोट लग गई, उसके वो हो गया, प्रशासन की तरफ से अकाउंटेबिलिटी जीरो। तीसरा इशू है जी स्ट्रीट लाइट्स का, रेगुलर बेसिस पे हमको कंप्लेंट डालनी पड़ती है, पता नहीं लाइटों में क्या है, रोज कंप्लेंट होती है, रोज हमें रेजिडेंट कहती है मेरी लाइट खराब, मेरा ये खराब। मतलब प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी तो कहीं भी नहीं है, किसी भी फ्रंट पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे जैसे वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं यहाँ पे, उनका मकान है 96-97 नंबर वगैरह, उसके सामने स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी हुई, वहाँ हाँ जी अंधेरा रहता है बिल्कुल, बच्चे रात को कहाँ से निकलेंगे। एक जो और सबसे बड़ी आजकल जो समस्या एक साल चल रही है बंदरों की, बंदरों ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है, सरकार के पास कोई इसका, इन्होंने कोई आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखा, जो मंकी कैचर होते हैं कि पकड़ के ले जाए, कुछ ही नहीं है। आपने इसके खिलाफ जो मंकी इसकी बात आप कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करी थी क्या? कुछ दिया हुआ है सेनेटरी इंस्पेक्टर ऋषि मलिक जी, उनसे भी, इनको भी, उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, वो आदमी एक बार आया उसके बाद वो आता ही नहीं है, कोई उठाने को तैयार नहीं। बंदर रोज लोगों के घर पे, किसी के गमले तोड़ दिए, कभी का किसी, लोग इतने परेशान है, इतने परेशान है। उसका अगला मुद्दा आता है जी स्ट्रीट के स्ट्रेट डॉग्स का, प्रशासन ने कानून तो नया बना दिया जी, पेट का रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, पेट का करा दिया, व्हाट अबाउट स्ट्रीट डॉग्स? लोगों को इतनी समस्या है लेकिन नहीं। सबसे ज्यादा जो मेजर समस्याएं आप बता रहे हैं, सीवरेज की है, स्ट्रीट लाइट्स की है, तो इनकी वजह से कोई ऐसा कभी कोई हादसा हुआ है? बहुत हादसे हुए मैम, बहुत हादसे हुए हैं, बच्ची मरी थी। मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था। जब मैं RWA में प्रेसिडेंट था 3 साल पहले, उस टाइम पे एक ड्रेन खुली हुई थी, उसके ढक्कन नहीं थे, उसमें एक छोटी सी बच्ची जिसकी डेथ हो गई थी, और वो एक मीडिया में भी काफ़ी मुद्दा बना था उस टाइम पे, लेकिन वही है कि वो मुद्दे बनते हैं, ना तो किसी के ऊपर एक्शन हुआ और ना ही वो आज तक वो ठीक हुई हैं। उस टाइम से लेके अब तक पूरी RWA लगी हुई है उनको ठीक करवाने में, तो ये सारी समस्याएँ हैं जिन, वो गड्ढा आज भी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है। टेम्परेरी बेसिस पे उस टाइम पे डर से भय से उसको ठीक किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस वैसे ही हो गया था। सर, मैम, हाँ जी सर, और इशू है ड्रेनेज। ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्ट रोज होते हैं, लाखों रुपए का पता लग रहा है, बिल पास हो गया, ड्रेनेज की हालत देखो, कोई इनकी सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, प्रशासन को कह के थक गए हम, कोई सफाई नहीं है किसी ड्रेनेज की। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो थे सेक्टर 31 के निवासी, जहाँ वो जिस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, कि कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है तो कहीं स्ट्रीट लाइट को लेकर के, बंदरों का आतंक, कुत्तों का आतंक, और जो 3 साल पहले की उन्होंने घटना बताई है कि एक बच्ची की सीवरेज में, उसमें गड्ढे में गिरने से मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसको कवर कर दिया गया था टेम्परेरी बेसिस पे, और वो गड्ढा आज भी वैसे का वैसा है। तो हम चाहेंगे कि आगे प्रशासन इन चीज़ों पर गौर करे और इनकी समस्याओं को सुने और इनका समाधान करे। देखते रहिए और
बने रहिए दैनिक भरोसा में।